किसान भाइयों नमस्कार, मैं इंजीनियर अशोक पटेल। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कैल्शियम नाइट्रेट की। कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हम गन्ने में कैसे पहचानेंगे और इससे गन्ने में लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं और किस ब्रांड का कैल्शियम नाइट्रेट हम गन्ने में लगाएं, जानकारी शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब गन्ने में कैल्शियम की कमी होती है तब गन्ने के बीज का तना जो होता है वह सिकुड़ने लगता है और तने पीला पड़ने लगता है। किसान भाइयों, जब हम अपनी फसल में कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तब हमारी गन्ने की पत्तियों की कोशिकाओं में सेल का निर्माण होता है, जिसे हम ऊतक या टिशू भी बोलते हैं, और क्लोरोफिल का पत्तियों में संचार होता है, निर्माण होता है, जिससे पत्तियां हरी दिखाई देती हैं और पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना समाप्त हो जाता है और हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा जब हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तब ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। किसान भाइयों, जब हमारे खेत में कोई रोग ना हो तभी कैल्शियम का प्रयोग करें और जब कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो किसान भाइयों एनवायरनमेंट में तब भी कैल्शियम का यूज ना करें। किसान भाइयों, क्योंकि कैल्शियम लगाने के बाद हमारी पत्तियां मुलायम हो जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में रोग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसान भाइयों, हम गन्ने की बुवाई के समय भी कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बुवाई के 40 दिन बाद या फिर 120 दिन बाद भी कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम के प्रयोग से गन्ना मोटा और स्वस्थ होता है। किसान भाइयों, यादा बीज ब्रांड की कैल्शियम बेस्ट कैल्शियम होती है। किसान भाइयों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।